सिंगरौली में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी ने भैंस पर पोस्टर लगाकर भैंस के आगे बीन बजाते हुए प्रदेश सरकार का विरोध किया है। उनका कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से संविदा स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। सिंगरौली में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल कर दी है। स्वास्थ्य कर्मियों ने भैंस पर पोस्टर लगाकर बीन बजाते हुए प्रदेश सरकार का विरोध किया और कहा कि वे 15 वर्ष से संविदा स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। जबकि 2013 और 2014 में हड़ताल के दौरान प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि कोविड-19 के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने हम लोगों को स्थायी नहीं किया। संविदा कर्मियों ने कहा कि जब तक हमें स्थायी नहीं किया जाएगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मी ज्यादा समय तक हड़ताल पर रहे तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर क्या कदम उठाती है। विगत तेरह वर्षों से हम लोग संविदा में कार्यरत हैं और 13 साल से हमारी मांग है नियमितीकरण की, लेकिन कई बार हम लोग ने आंदोलन किया 2013 में, 2014 में और 2018 में आंदोलन 42 दिन का किए थे। उसमें बस सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया, आश्वासन देने के बाद सरकार अपने वादे भूल गई, इसलिए आज हम लोग ने भैंस के आगे बीन वाली कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस खड़ी पर गुराए, इसको करके सिद्ध किया है कि सरकार हमारी आवाज सुने और हम लोग का नियमितीकरण करें। सभी संविदा कर्मचारी हैं, सिंगरौली जिले के लगभग 500 कर्मचारी हड़ताल पे हैं। हमारे जो संघ की मांग है नियमितीकरण, जब तक नियमितीकरण नहीं होता, दूसरी मांग है जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया चलती है तब तक 5 जून 2018 की जो नीट बनी थी उस नीट के तहत सभी कर्मचारियों को 90% मानदेय वेतन मान का मानदेय दिया जाए, एवं जो कर्मचारी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको आउटसोर्सिंग में कर दिया गया, उन्हें दोबारा फिर से एनआरएम में शामिल किया जाए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जैसा भी अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का निर्णय होगा उसके साथ सिंगरौली जिला हमेशा साथ में रहेगा। आगे जो प्रदेश की अपनी समिति है, जो प्रदेश के अध्यक्ष वगैरह है, उनका जो निर्देश होगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।